बिहार से लेकर दिल्ली भर में गठबंधन का दौर चल रहा है, मगर एक नेता बिहार में ऐसे हैं जो अभी पत्ता साफ नहीं किए हैं कि किधर जाएंगे नहीं जाएंगे। पहले बिहार में मंत्री मुकेश सहनी की बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं, वो अभी बताएंगे कि वह किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो बातें आ रही मुकेश सहनी को लेकर, न बीजेपी मैनेज कर पा रही है न ही महागठबंधन के नेता, तो वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें साफ करने बाद क्या लगता है मुकेश सहनी के, कैसे देखते हैं उनकी संभावना? देखिए, मुकेश सहनी के साथ बीजेपी नेताओं की लगातार बात चल रही थी जी, और अभी जो मुझे खबर है कि अभी भी बीजेपी के नेता, दो नेता मुकेश सहनी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मुकेश सहनी कल पटना पहुँच रहे हैं बॉम्बे से, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। लेकिन जो खबर है हमारे पास है कि मुकेश सहनी अगर बीजेपी से बात नहीं बनी आज जी, तो कल बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव से भले उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आखिरी चुनाव, पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने आखिरी क्षण में उनको धोखा दे दिया था। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम मांग रहे थे और 25 सीट मांग रहे थे जी, और उनका तो ये दावा है कि आश्वासन मिला था तेजस्वी की तरफ से, लेकिन आखिरी क्षण में तेजस्वी यादव ने मना कर दिया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे अपने गुस्से से उठ कर, और बीजेपी के पास चले गए थे। तो बीजेपी के पास गए तो कोई रास्ता तो था नहीं इनके पास जी। बीजेपी ने भी 25 सीटें देने की बात कही, लेकिन 11 सीट और उसमें भी 5 अपना कैंडिडेट दे दिया जी, फिर बाद में मिला उसी के कैंडिडेट जीते तो फिर अपने पार्टी में मिला लिया, तो उनको धोखा दोनों तरफ से मिली है जी। लेकिन नीतीश कुमार से उनके अच्छे रिश्ते हैं जी। और नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी को पसंद करते हैं और उनकी ज़रूरत भी है मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी के पास बीजेपी के अलावा और कहीं जाने का रास्ता तो है नहीं जी। महागठबंधन ही बचता है, महागठबंधन में तेजस्वी यादव से उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो नीतीश कुमार एक साफ दिखाई दे रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार से अच्छे संबंध हैं और मुझे लगता है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बीजेपी से बात नहीं बनी जी जी, तो नीतीश कुमार के साथ जाने का ऐलान कर सकते हैं मुकेश सहनी। अभी जैसे जब वो छोड़ कर आए थे बंगला, जिस वक्त छोड़े थे और कुछ सिक्योरिटी भी केंद्र द्वारा उनको दी गई थी, तो ऐसा लगा था कि भाजपा उन्हें मैनेज कर लेगी, क्या भाजपा से उनकी डिमांड ज़्यादा थी इसलिए भाजपा उनको संभाल नहीं पाई, या नीतीश जी कुछ ज़्यादा बड़ा ऑफर कर रहे हैं? बिहार के कई ऐसे नेता थे जिनको विशेष सुरक्षा मिल गई थी केंद्र से, उपेंद्र कुशवाहा को भी मिली थी, आपको पता है जी, मुकेश सहनी को भी मिली थी, चिराग पासवान को भी मिली थी, जीतन राम मांझी को भी मिली थी, तो सब तो चल गए एक के बाद एक करके एनडीए में, लेकिन मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है जी। और उस वजह से बात नहीं बन पाई है। ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा? मुकेश सहनी, चिराग पासवान इतना चाहते थे? बिल्कुल, उनकी शर्त यही है कि चिराग पासवान को जितनी सीट मिले उतनी सीट हमको मिलने चाहिए, क्योंकि उनका जो वोट है उससे मेरा ज्यादा वोट है, उनका दावा है। हाँ, चिराग पासवान के पास 6% वोट है पासवान का, और उनका कहना है कि मलाहों का 6% से ज़्यादा वोट है। और मुकेश सहनी की पार्टी तो नई है, लेकिन हर चुनाव में उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, विधानसभा उपचुनाव में भी अकेले लड़े थे तो वोट मिला उनको जी। मैंने 2-3 विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने दिखाया है कि वो अगर किसी से अलायंस नहीं भी करते हैं, अकेले भी चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो उनके समाज के लोग उनको वोट देते हैं, उनको नेता मान चुके हैं, और इसीलिए मुकेश सहनी अपनी जीत पड़े हुए हैं। तो चिराग पासवान तो 6 सीट मांग रहे हैं, तो मुकेश सहनी को क्या 6 सीट बीजेपी दे देगी? नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बन पाएगी। और दूसरी बड़ी मांग उनकी है निषादों के लिए आरक्षण की मांग, वो कह रहे हैं कि निषादों के लिए आरक्षण का ऐलान करिए, अगर अभी ऐलान नहीं कर सकते तो कोई बड़ा नेता बीजेपी का मुझे आश्वासन दे कि अगली सरकार बनेगी तो निषादों को आरक्षण मिलेगा लोकसभा चुनाव के बाद। तो बीजेपी के लिए बहुत सहज काम नहीं है निषादों के लिए आरक्षण की मांग को मान लेना, क्योंकि मांग मान लेगी बीजेपी तो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को बीजेपी ने ही अर्श पर पहुंचाया था, फर्श से अर्श पर और फिर अर्श से फर्श पर भी पहुंचाया था, मैंने बीजेपी के अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी पहले घुमा करते थे, जब बिहार में एक्टिव नहीं थे तब जी, जब बिहार मुंबई से नहीं थी जी हाँ, तो उसी समय वो सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर हो गए थे, बिहार में आए अपनी पार्टी बनाई और बहुत जल्द ही पार्टी को खड़ा कर दिया क्योंकि मलाहों ने उनको अपने नेता मान लिया जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मलाह कंफर्टेबल रहते हैं एनडीए के साथ, अच्छा, बीजेपी के साथ,
तो सहनी को किधर जाना अभी बीजेपी के साथ जाते तो ज्यादा फायदा होता उनको, इसमें कोई शक नहीं है इसने। लेकिन जब बीजेपी सीट ही नहीं देगी तो बीजेपी के साथ जाकर क्या करेंगे? और बीजेपी ने जो धोखा दिया है, बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको बहुत ठगा है। 1.5 साल एमएलसी दिया, 25 का रैंक, 25 सीट का वादा किया था, जब सीट देने के बाद 11 सीट दे दिया, 11 में से 5 अपना उम्मीदवार दे दिया, और वो सब जीते उसी के उम्मीदवार उनको तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिया, एमएलसी से हटा दिया, मंत्री की कुर्सी छीन ली, तो अर्श पर पहुँचाया, फिर फर्श पर पहुँचा दिया। उस बीजेपी पर भरोसा कैसे करेंगे मुकेश? पर बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हुआ, बागी तेवर अपनाए थे मोदी और योगी पर सीधे तौर पर हमलावर थे, इसका एक बड़ा कारण रहा, नाराजगी की वजह था कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और अभी भी वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी सीट मिले, बीजेपी कुछ न कुछ हमको दे। लेकिन बीजेपी से बिहार में ही समझौता करने के मूड में है, न तो यूपी में है न झारखंड में है, क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी मुकेश सहनी का जो भी है प्रभाव वो बिहार में है। मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार उनके लिए कुछ सीट भी मैनेज करते, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा यहाँ भी जी। क्योंकि 40 सीटें हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है, पहले से ही 6 दल है जी, ये 7वां हो जाएंगे जी। तो माझी गए तो मुकेश सहनी आएंगे तो महागठबंधन कोटा पूरा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हाँ, और लड़ाई कांटे की हो जाएगी। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ रहते तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अभी बहुत खेल बाकी है, बाकी और भी खेल क्या क्या होंगे, मुकेश सहनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कई बातें साफ होगी, मगर अभी जहाँ तक बातें समझ में आ रही है, नीतीश कुमार के प्रति उनका जो लगाव है या कह सकते हैं उनका जो दोस्ती है वह बरकरार रहेगा या नहीं, कल हम देखेंगे। बाकी अभी बता रहे थे तमाम बातें श्रीकांत प्रत्युष सर, अभी तमाम चीज़ें बिहार के गठजोड़ को लेकर, अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।